नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सहस्रारूढं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम मुनि मंगलं कुंदकुंदाद्योजयन्धर्मोऽस्तुमंगलम् सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषसुरा कल्लात्मने साधोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणाय च तब सुनते ही एक कष्ट की कल्पना खड़ी हो जाती है, बहुत कठिन होगा। ये तब संबंधी अज्ञान का फल है। कुछ तपस्या हमसे नहीं आ जाता, भूखा भूखे रहने का नाम तब क्या किसने लिया? भूखे रहने का नाम तब है ही नहीं। तब तो विश्रांति रूप है, स्वरूप विश्रांति। लौकिक में भी जब कुछ काम न रहे, काम का बोझ न रहे, करना न दिखाए, चित्त शांत। करना विश्व में वास्तव में कुछ नहीं। एक बाकी याद हुआ, आत्मा तो आत्मा है ही, अखिल विश्व में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं, जरूरत नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक अपनी पर्याय और रूप परिणमित हो रहा है। पंडित टूटराम जी का वाक्य आपको रटा हुआ है, अनादि निधन। आज और कल पंचम काल की बात नहीं है, बीच में 21वीं सदी की बात नहीं है, केवल अनादि निधन। वस्तु में हमारी और तुम्हारी की बात नहीं, एक वस्तु नहीं, सर्व वस्तु में अनादि निधन। वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। नहीं स्पष्ट हो तो परिणमती थी, परिणमती हैं और परिणमती रहेंगी। स्पष्ट न हो तो, और नहीं तो परिणमति में है, त्रिकालवाचक समझ लेना चाहिए। है संज्ञा वर्तमान, है जो शब्द है क्रिया वर्तमान वाचक भी है, त्रिकाल वाचक भी है। अग्नि उष्ण होती है, आज और कल नहीं, हमेशा। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, ज्ञान से सुख होता है, धर्म होता है। ये कोई वर्तमान की बात नहीं है, त्रिकाल। लौकिक में जब कुछ करना न दिखे, कोई काम नहीं आता, कार्य का पूजा न हो, एकदम बढ़िया विश्राम। यदि वस्तु स्वरूप को समझे तो कहां करने की गुंजाइश है? दिन रात करने करने का भूत लगा है, कर क्या सकते हो पहले ये बताओ। पर का परिणमन कर सकते नहीं, और अपने परिणमन को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अब करोगे क्या कर सकते? आपको पहले दृष्टांत दिया था, एक व्यक्ति आया आपकी दुकान पर या आपके ऑफिस में, सर हमको काम चाहिए। बोले क्या काम करोगे? जो आप बता,
अरे भाई बताए तो तब पहले बताओ तो क्वालिफिकेशन क्या कर क्या सकते हो, कर क्या सकते हो पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, करने की योग्यता क्या, अकाउंट कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, रोटी बना सकते हो, चौकीदारी कर सकते हो, मैंने कोई काम कर क्या सकते ये बताओ। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, आप जो बता हम बताएं क्या, क्या बता रहे। ऐसे ही अगर वस्तु स्वरूप को विचार करें तो हम कर क्या सकते ये बता। द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक पर्यायों का प्रवाह चल रहा है निरपेक्ष रूप से, कर क्या सकते हो। ये तो निश्चय की बात है, हाँ निश्चय की बात तो है, परम सत्य ऐसा निश्चय करो, ऐसा निश्चय करो, इससे क्या हो जाएगा, किससे सारे मोह का अभाव होगा, दुर्विकल्पों का अभाव होगा, इसलिए दुख का अभाव होगा, और तुम्हें चाहिए क्या बोलो। एक स्वस्थ व्यक्ति मान लो डॉक्टर के पास पहुंच जाए, डॉक्टर साहब बोले देखो तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई दे दो, तुम्हें किसी दवाई की जरूरत ही नहीं, स्वस्थ हो एकदम, कोई बात नहीं। साहब मुझे नींद नहीं आती। नहीं तुम चिंता करते हो, फालतू की सोचते हो, फालतू सोचना बंद कर लो, इसमें दवाई क्या ले आऊं। वो एक अलग बात है कि तुम्हारे संतोष के लिए गोली पकड़ा दी, लेकिन वास्तव में तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं थी, नींद नहीं आती तो तुम्हारे दुर्विकल्प के कारण। आज अनिद्रा रोग बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन उसका कारण नहीं मालूम। माँ की गोद में छोटा बच्चा भी सो जाता है, आजा जन्मानी माँ की गोद में, देखो नींद आ रही है, नींद क्यों नहीं आती, उसका कारण ये है, शरीर आपका नहीं थकता, शारीरिक श्रम से आदमी आप डरते हो, दिन भर बैठे दिन भर बैठे कुर्सी पर, गाड़ी पर, पलंग पर, मंदिर में भी आए तो कुर्सी पर। एक बात हमको कहनी थी सवेरे याद नहीं रही कल से, कुर्सी की जिनको जरूरत हो वे ही बैठे, कोई अच्छी चीज नहीं है मंदिर में कुर्सी पर बैठना, इस बात को दिमाग पर रखें। जो असत्य हैं, जरूरत है, हम क्या कहें उनके लिए, लेकिन शौक से कुर्सी पर बैठ गए और पांव ऐसे कर दिए और ऐसे ऐसे हिला रहे, ये अच्छी बात नहीं है। व्यवस्थापकों की मजबूरी है, उन्होंने कुर्सी रखी, आपको असत्यता है, लेकिन आपका विवेक भी तो चलते, हम आपको मिष्ठान दे रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है, आपको डायबिटीज है तो आप मत लें, आपको नहीं देना चाहिए किसी को। अरे ये कोई बात है, पराया दोष देखना बंद करो, पराया दोष देखना, कोशिश करो। जिनको हमने सुख का साधन माना है वे हमारे दुख के कारण है। ये विषयों के दास हैं, ते सब जग के दास। अगर आपको अच्छा सा लगता है, अच्छा सा लगता है, वो ही आपकी तकलीफ का कारण हो जाएगा। जैसे मान लो ये फर्श अच्छा लगता है, आपने घर में लगवा लिया, अब ये समझ लो कि आ गई आपकी आफत, ठंड में ठंडाएगा, जरा सा पानी नहीं दिखा रपट गए तो फिर गिर जाओगे, परेशान होगे, गर्मी में गर्माएगा, फिर इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, फिर तो घर में चप्पल चलावा, चौकी में चप्पल चला, बोलो तैयार हो, नहीं हो तो फिर इससे हट ये बचो, फिर फिनाइल का पोंछा लगा, नहीं प्रयोग करना चाहिए। देखो वो कौन सी वो आती है तो धुआं निकलता है, वो मच्छर के लिए, वो मच्छरों को लगवा लगता है,
तुम्हें उसकी परवाह नहीं, अंत में तुम भी लकवा के शिकार होते हो, स्लो पॉइजन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जाता है। ऐसे ही ये कीटनाशक हैं जो आपकी फिनाइल हो चाहे कुछ भी हो, आपको थोड़ी देर 4-6 दिन में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन थोड़े थोड़े दिन में वो आपकी आपके भीतर भी आएगी ना, उसका प्रयोग आप भी आए। और हमें तो एक लाइन याद रहती है, जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं। बहुत छोटे बार भजन पढ़ा था, जो सताए और को वह सुख कभी पाता नहीं। तुम उनको मारना चाहते हो तो तुम ही मरोगे, और उनको तड़फा तड़फा कर मारोगे तो तुम भी तड़फ तड़फ के मरोगे, समाधि नहीं कर पाओगे। आज गवर्नमेंट सोच रही है कीटनाशक का प्रयोग करो वो ज्यादा होंगी, लेकिन बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, उतना इलाज उतना महंगा पड़ रहा है। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी का कुछ हो सही नहीं। तो हम ये कह रहे थे नींद इसलिए नहीं आती, शरीर आपका नहीं थकता और मन थकता है बुझा बहुत बीमार। अब नींद आने का कोई प्रश्न नहीं। तुम्हारे स्वास्थ्य विज्ञान में शरीर की अपेक्षा देखें तो पैर गर्म हो से ठंडा हो और पेट नरम हो, बस अब बीमारी नहीं है। तो आपके पेट साफ होने का ठिकाना नहीं, भोजन के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी नहीं है। जल्दी 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 आए, जल्दी खाए, उस खाने में कुछ माने एकाग्रता ही नहीं है। लौकिक दृष्टि से वेद विज्ञान नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी आपको कुछ खबर नहीं। तो पेट खराब, अब दिमाग गर्म हो गया, उल्टा सोचते सोचते अब नींद आने का प्रश्न है। थोड़ा सा जिनवाणी का स्वाध्याय करवा, जिनवाणी का स्वाध्याय किया तो कर्तृत्व टूटा, तृष्णा छूटी, आपको विश्रांति मिली, आप सो जाओगे। और सच कह रहे हैं आप, नींद नहीं आती, आप उठ करके स्वाध्याय करने लगो। नींद नहीं आई तो बढ़िया है, रात भर अपने जगो, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं होगे, हम कह रहे हैं आपसे। और जब नींद आए तब सो जाना, अभी भूख नहीं, जब भूख लगे तब खा लेना, अपना घर है, कोई बात तो है ना कि नहीं, किसी टाइम पर मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा। कोई बात थोड़ी है, ज्यादा सोने का आग्रह क्यों, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं नहीं आ रही, जो नहीं आए इसकी चिंता मत करो, जो आ रहा है उसको सोचो, नहीं क्यों फिक्र कर दे। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, तत्व का चिंतन चलेगा, मन विश्रांत हो जाएगा, आप अपने आप से समय सार नाटक में एक छंद आया है, जो आया है, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रसवाद सुकूबे अनुभव याको नाम, विश्रांति का नाम ही था, ये विश्रांति की विधि है। उल्टा विचार करोगे आपका दिमाग परेशान होता जाएगा, सीधा विचार करोगे मन विश्रांति की ओर होता जाएगा। तो विश्रांति का नाम तप है, विश्राम कहो, आराम कहो, सुख कहो, आनंद कहो। अब इसमें कठिनाई की बात क्या आ गई, बोलो। पंडित ज्ञानंद राय जी ने पूजा में कहां से लिखा, इस तप की पूजा कहां से शुरू की, तप चाहे सुर रहा है, तप चाहे सुर रहा है, जो इंद्र समान हो सो करेंगे तप, उनको तप की अभिलाषा होती है। हर एक के मन में तप करने की भाव नहीं आता, तप करें हम तपस्या की ओर उनका, तप चाहे सुररा, बे इंद्र तप चाहते हैं इंद्र, तो ये भावना भाते हैं कि मनुष्य पर्याय मिले और हम तप करें, वो तो एक अर्थ हो ही गया सीधा सीधा, लेकिन हम ये कह रहे तप चाहे सुररा, जो इंद्र के समान है वे तप को चाहते, ये लाइन
हमने इसी में से निकाली। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में पंडित सदा सुखदास जी ने कहा, मनुष्यों में जो देव समान है, मानी जिनकी कसाएं अत्यंत मन है, वे ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य की भावना होती है। ऐसे ही तपस्चरण की भावना किनको होगी, जिनका भला होना है, जिनको भले ही होना रहे उसको ये विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा हित किसमें है, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने में हमारा हित है कि इच्छाओं के अभाव में हमारा हित है। कोई काम गलत हो गया तो उसको एकदम तोड़ देने में अपना हित है, चलो आप बन गया तो बना रहने दो, जीवन भर परेशान होंगे तो आप ही कहते, तुम तो निकाल दो, जीवन भर परेशान होते रहेंगे, यही तो है। तो जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने में अपना हित है कि इच्छाओं के निरोध में अपना हित है, गलत दशा में गलत जगह में पहुंच गए, कुछ नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा, आप खड़े हो जाओ, बिल्कुल भगवान जी इधर हो, खड़े हो जाओ, सामने वाला तो बचा लेगा कम से कम, अब खड़े कहां हो, ठीक है हम भेज रहे आदमी, अब खड़े तो रहो, अब चलते और चले जाओ उल्टी दिशा में सीधा मान करके, तो ये तो कोई उपाय नहीं, विश्रांति का नाम था भाई। बोलो कोई कष्ट की कहीं कोई शब्द कोई कोई प्रसंग ही नहीं है इसमें कष्ट का। जो कष्ट की कल्पना होती है वो अज्ञानमय है, अज्ञान के कारण हम तप का स्वरूप नहीं जानते, सुख का स्वरूप नहीं जानते, अपना स्वरूप नहीं जानते, इसलिए हमें कष्ट की कल्पना होती है। और तपश्चरण में सबसे उत्कृष्ट तप है ध्यान, आत्म ध्यान, समझ में आया ना, आत्म ध्यान सबसे उत्कृष्ट तप है, क्योंकि ध्यान में एकाग्र चिंता निरोधो एकाग्रता होती है, और ध्यान ज्ञान पूर्वक होता है ये तो आप जानते ही, अभी बता भी देंगे क्रम से। ये बताओ, ध्यान में चिंता का निरोध हो गया, एकाग्रता हो गई, बस आनंद ही आनंद है, ऐसा आनंद होता है आत्म ध्यान में, मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती। ऋषभ मुनिराज तपश्चरण कर रहे आत्म ध्यान में, उनको ये विकल्प नहीं आया, इतने दिन हो गए केवल ज्ञान तो भाव नहीं आवे, इतने दिन हो गए, 1000 वर्ष थोड़े होते हैं, अब 1 घंटे प्रतीक्षा नहीं कर पाओगे, अभी स्वाध्याय में हमको आने में देर हो जाए तो आप 8 घंटे में घबरा जाओगे, आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, अभी आए नहीं, क्या है, नहीं क्या हो गया, घबरा जाओगे, 1000 वर्ष क्या होता है समझते हो, 1000 वर्ष तक ये नहीं केवल ज्ञान तो हो नहीं रहा, अरे वो पर्याय केवल ज्ञान होकर के क्या होगा, जब केवल ज्ञान होने पर भी, केवल ज्ञान होने पर भी है ना, अपने आत्मा का अनुभवन करते हुए तो आनंदित रहेंगे, तो आज भी आनंदित रहते, और अमृतचंद स्वामी तो एकदम स्पष्ट लिख ही दे रहे, विशेष जानने के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप तृप्त रहते हैं, वहां तृप्त रहना है, यहां तृप्त रह रहे हमें कोई मतलब नहीं, और उस तृप्ति के फल से कर्म का भाव होता है। आप ये ध्यान रखना भैया, रूमाल मत चलाओ, हम भी बैठे, आप नहीं अकेले, कई लोग चला रहे, उपयोग हटाओ गर्मी के, उपयोग हटाओ, उपयोग हुआ तो देखो आपको, कई लोग विचारना, हम तो स्वरूप तृप्त रहते हैं, वहां जाकर के मोक्ष में क्या करोगे बता, स्वरूप तृप्ति का तो आनंद है वहां भी, स्वरूप तृप्ति का आनंद है यहां, आपकी आजीविका चल रही, दाल रोटी मिल रही है, आप करोड़पति होकर के भी क्या करोगे, आगे दाल रोटी तो खाओगे शांति संतोष से, और ऐसा जीव, धैर्यवान जीव, संतोषी जीव, उदार जीव, भक्त दान परोपकार वाला जीव, करोड़पति भी हो जाता अपने आप, उसे पता भी नहीं पड़ता करोड़पति हो जाता, लेकिन तृष्णा में पड़ा हुआ है, उल्टी सीधी हापा धापी करने वाला, कहो तो वैसा भी न रह पाए, करोड़पति होना तो रोडपति हो जाए,
उसने देखा देखी, ज्यादा काम किया, इधर किया उधर किया, और बस जो जाकर के दोबारा निकला, रोड पर खड़ा हो गया, कुछ नहीं रहो, मकान बिक गया, फलाना हो गया, ये हो गया। अरे भाई करोड़पति होकर के भी करोगे क्या ये बताओ? तुम्हारी लायक है बस अपना आनंद करो, तो ऐसी केवल ज्ञानी होकर के करोगे क्या ये बताओ? स्वरूप को अनुभवते हुए आनंदित रहोगे? अभी स्वरूप को अनुभवते हुए आनंदित रहो। अच्छा अब देखो मोक्ष की चर्चा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो द्रव्य मोक्ष का कारण भाव मोक्ष है, भाव संबर निमित्त, द्रव्य संबर निमित्त, भाव निर्जरा निमित्त, द्रव्य निर्जरा निमित्त, और भाव मोक्ष निमित्त, द्रव्य मोक्ष निमित्त। ऐसा नहीं है कर्म के नाश से आत्मा मुक्त हुआ, आत्मा मुक्त हुआ तो कर्म का नाश हुआ है, और नहीं तो आप द्रव्य संग्रह पढ़ लो, क्या किसी की पढ़ लो आप, कोई गाथा है इसका? रुकिया हाँ, तो आश्रम की बताई ना, मोक्ष की बताया भैया, खय हेतु लिखा ना, सर्व कर्म के खय का हेतु, खय माने क्षय, सर्व कर्म के क्षय का हेतु जो परिणाम है उसका नाम भाव मोक्ष, और कर्म क्षय का नाम। आप उधर से इधर कर रहे हो, इधर से इधर है भाई, वस्तु स्वरूप जानने पर कितना विश्रांत। अरे संसार मोक्ष कहते किसे हैं? एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा होती है, संसार की तो अभिलाषा होती नहीं, और मोक्ष की अभिलाषा करता नहीं, मोक्ष की अभिलाषा नहीं करता। अच्छे लड़के, संस्कारी लड़के, सीलवान लड़के, ये थोड़ी कहते हमारा ब्याह कराओ, वो लड़की ये थोड़ी कहती हमारा विवाह कराओ। अरे माता पिता खुद देख रहे हैं, जब तू विवाह लायक हो जाएगा तो वो अपने आप विवाह कर देंगे, तेरा विवाह लायक तो हो जा, समझना। हम लौकिक बात कर रहे हैं और पारलौकिक भी कर रहे हैं। विवाह होने लायक माने पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आपका शरीर धातु में पुष्ट हो जाए, आपको समझ आ जाए, जीने का ढंग आ जाए, खाली कमाना कमाना नहीं, खर्च करना भी जानो, और खर्च खर्च करना नहीं कमाना भी जानो। पिताजी के राज में 500 रुपया देना, 200 रुपया देना, कमाना भी जानो, और कमा करके जोड़ जोड़ना नहीं, खर्च करना भी जानो। खर्च करना जानते हैं? नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते खर्च करना। जहां खर्च करना चाहिए वहां तो करेंगे कंजूसी, और जहां बचाना चाहिए बच सकता है वहां उड़ाएंगे। ये खर्च करना आता थोड़ेंगे, नहीं आता। जरा जरा से लोगों को देखो, रहने के ढंग के ठिकाना नहीं है, खाने पीने में बाल बच्चे दूध नहीं पी पाए, घी नहीं खा पाए, और नहीं खा पाए, टीवी होगी, मोबाइल होगा, और बढ़िया जींस होगी, बढ़िया वो होगा, खर्च करना आता नहीं, खर्च करना आता है। मतलब सदुपयोग करना, ये कहने का मतलब। तो आत्म ध्यान उत्कृष्ट तप है, ध्यान में ही समस्त कर्मों का अभाव होता है और जीव परम सुख को प्राप्त होता है। अस्थि से देखें तो ध्यान में एकाग्रता हुई, जब एकाग्रता होगी तभी तो उसका भेदन कर पाओगे। आत्म स्वभाव में एकाग्रता बिना आत्म स्वभाव से उत्पन्न आनंद का भेदन कर कैसे पाओगे बता? अब यहां सुनने में एकाग्रता हो तब तो सुन पाओगे, अगर सुनने में एकाग्रता नहीं हो। अभी गोष्ठी होनी थी, उससे पहले हम आए, हमने इनसे भैया कहा, हमने देखो
जो व्यवस्थाएं करनी हो सबसे पहले सब कर लो, या अपन सुनाने बैठे सुनने बैठो, ये विकल्प नहीं आया कौन आया कौन नहीं गया, ये खर्चा कहां से, ये फलाना कहां से, ये क्या कुछ नहीं, अब सुन पाओगे। और अगर व्यवस्थाओं में उपयोग लगा रहा तो सुनना मुश्किल हो जाएगा। ये देखोगे जी आया ए, उसको बुलाने में, उसको बैठाने में, उसको राजी करने में, उसको करने में, उसको बस उसी में जीवन समय चला जाएगा, सुनने में उपयोग नहीं लग पाएगा। व्यवस्थापक नहीं ज्ञायक बनो, और ज्ञायक बनने वाला ही अच्छा व्यवस्थापक होता है, ध्यान रखना। क्यों? वह कंजूसी नहीं करेगा, वो अविवेक से फालतू प्रदर्शन नहीं करेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था कर पाएगा वो। हम तो आपसे बेर बेर कहते जो अकर्ता होता है वही प्रकर्ता होता है। आचार्य का एक गुण प्रकर्ता है, प्रकर्ता जानते होगे, उत्कृष्ट करता, मोक्ष मार्ग का करता, धर्म तीर्थ का करता, निमित्त निमित्त ऐसा ही संबंध है। जितना चित्त आपका शांत होगा उतना ही अच्छा काम कर पाओगे, ज्यादा काम कर पाओगे, और जितना चित्त शांत होगा आप सारे काम बिगाड़ोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और चित्त शांत करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय सबसे पहले नंबर की चीज है। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य, इससे चित्त शांत रहेगा। आप जो भी कर पाओगे कर लो, और मान लो आपको कभी आपके अनुकूल नहीं हो पाएगा तो आपके पास बड़ी गोलियां हैं, ये इसका परिणाम ऐसा ही था, कोई बात नहीं, इसमें अपना क्या नुकसान हुआ, इसमें अपना क्या नुकसान, अपन क्यों आकुल व्याकुल हूं, काहे हो चली जा रही, ये गोलियां हैं एक तरह की। गोलियों को मालूम है हिंदी और संस्कृत में मोदक कहते हैं, मोदक मुद धातु से मोदक बना है। लौकिक में कोई खुशी का प्रसंग होता है, लड्डू खिला, खुशी में तो होता है ना, मोदक माने मुद धातु प्रसन्नता की ओर ले आए। तो ये सिद्धांतकों का इनका ज्ञान और इनका विचार एकदम हमारा समाधान कर देता है और हम प्रसन्न हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं। अभी कोई आया उतरो यहां से, आपको बुला कौन लेता है, समझ में नहीं आ रही है, सास बच नहीं रहे एक भी लाइन, और यानी कहां कहां की कह रहेगा, कोई कुछ कहेगा, हाथ शुद्धात्मा की बात तो कर नहीं रहे, ये तमाम व्यवहार की बात है, ले बैठे आप बस शुद्धात्मा की बात करते हो और ये व्यवहार की कुछ बात ही नहीं कर रहे आप, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, शुद्ध आत्मा की कहें कि व्यवहार की कहें कि शास्त्र बांचे, क्या कहें बोलो। लेकिन समाधान है, नाना जीव है, नाना कर्म है, नाना उनकी प्रकार की लब्धियां हैं, अपना क्या है भाई, बहु प्रशंसा वक्ता का होता ना, नाना प्रकार की प्रवृत्तियां वाले जीव हैं, सब एक से थोड़ी हो सकते, अरे तेरे हाथ में भी एक सी उंगलियां नहीं है, लेकिन बस ऐसे देखो मुट्ठी बन गई, और जानते ही होगे आप ये क्या कह रहे हैं, बंदी मुट्ठी और हाँ, आपकी आपके उपयोग की एकाग्रता समस्त कर्मों को भस्म करने वाली है, और आपकी चंचलता समस्त क्लेश का कारण है। जिसकी मुट्ठी बन गई माने जिसका उपयोग एकाग्र हो गया, समझ लो भगवान बन गया, और जिसका उपयोग के अनेक पदार्थों में भ्रमता है, संसार में भ्रमता है। तो ध्यान उत्कृष्ट तप है, परंतु यहां ध्यान का मतलब आर्थ ध्यान मत ले लेना, वे तो अनादिकाल से हो ही रहे मोह में, यहां धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान, एक शब्द में कहें तो आत्म ध्यान, एक शब्द में अपन कहेंगे तो आत्म ध्यान कहेंगे। धर्म ध्यान आपकी ये समझो बरसात की धूप है, हाल धूप आ गई, हाल बदली हो गई, ये धूप आ गई, तेज बहुत है बरसात की धूप, लेकिन झट से बदली हो गई, झट से धूप हो गई। और शुक्र ध्यान जेठ की धूप है, धूप ही धूप, बीच में बदली का काम नहीं, ये दृष्टांतों से समझा दिया। बाद वहां की शुक्र ध्यान और धर्म ध्यान में क्या अंतर है,
तो हम पहले नंबर पर ये कहेंगे कुछ भी अंतर नहीं है। बाद बाकी अंतर वो अलग बात है, कुछ भी अंतर नहीं है। शुक्ल ध्यान भी आनंद रूप है, धर्म ध्यान भी आनंद रूप है, धर्म ध्यान भी आत्मामय है और शुक्ल ध्यान भी आत्मामय है। अंतर समझने की ज्यादा चेष्टा मत करो, धर्म ध्यान कैसे हो गए ये बात सोचो। तो ध्यान जिस ध्यान से कर्म का नाश होता है, जो ध्यान उत्कृष्ट तप है, वह ध्यान ममत्व के अभाव में होता है। ध्यान से पहले कौन सा तप आएगा? तो पढ़ के आए होगे कि नहीं, इतनी कहां टाइम मिल पाया ध्यान से पहले वित्तसर्ग होता है। वित्तसर्ग माने ममत्व से रहे। जब तक ये ममत्व बैठा तब तक आत्म ध्यान करने बैठोगे और शरीर की ओर उपयोग जाएगा, कहीं घर की ओर उपयोग जाएगा, कहीं ये पड़ोसी क्या कर रहा है उसकी ओर उपयोग जाएगा। तो ध्यान करना है, ध्यान पर बैठ के बहुत से लोग, अब जो बताओ शरीर का ममत्व तो छूटा नहीं, ध्यान कैसे करोगे? थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया तो सुनने का बहुत अच्छा लगता है। एक घंटे हम बैठ गए, कभी कभी डेढ़ डेढ़ घंटा हो जाता है, दो दो घंटे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, पहले ये सोचो, विचार करो, लगता है कि है? लगना अलग बात है और होना अलग बात है। रोगी को कुपथ्य अच्छा लगता है लेकिन अच्छा है तो नहीं। मोह का ये लक्षण है, जो अच्छा लग रहा है वो नहीं अच्छा है तुम्हारे लिए। जो धन्य भाग्य वे हैं जिन्हें जो अच्छा है वो अच्छा लगे। सांची बातें अच्छी लगें, सांचा तत्व अच्छा लगे, सांची भावना अच्छी लगे, धर्म ध्यान जिनको अच्छा लगे, अरे जिनको विकथा अच्छी लगे, व्यसन अच्छे लगे, विषय अच्छे लगे, लगते तो हैं। देखो भाई, ज्यादा मत कहो लगते तो हैं, नहीं हम कहेंगे देखो अच्छे की बात करें, कुत्ते को हड्डी अच्छी लग रही है। बोलो क्या हड्डी अच्छी है? नहीं, जिस समय वो हड्डी चबा रहा है उस समय तो अच्छी है, बाद में जब होगा तो होगा। उस समय भी जो उसका स्वाद आ रहा है वो उसके रक्त का है, हड्डी का बिल्कुल नहीं है। हड्डी तो उसके स्वाद का घातक है, हड्डी उसके लिए सुखदायक है, सुख का घातक है। शुकर को विष्ठा अच्छी लगती है। अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा लगता करते हो? ये कोई बात नहीं। किसी को विषय अच्छे लगते हैं, कि जुआरी को जुआ अच्छा लगता है, शराबी को शराब अच्छी लग रही है, क्या अच्छी है? आप कह सकते हो शराब अच्छी है, उस शराबी को बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है बस बैकुंठ में पहुंच गए सीधे। अरे तेरी कल्पना मिथ्या है, नरक में पहुंचेगा, बैकुंठ की बात करता है। अच्छा लगने की बात मत करो, अच्छा जो है सो अच्छा लगता है कि नहीं ये बताओ। तुम्हें जिनवानी अच्छी लगती है कि नहीं? भेद विज्ञान अच्छा लगता है कि नहीं? धर्म ध्यान अच्छा लगता है कि नहीं? शुद्धात्मा अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं लगता तो जाओ, अच्छा नहीं है, तुम्हारा भविष्य अंधकार में। जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्हें भाई ले जाओ कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। है इलाज हमारे पास तो है। जब कोई इलाज नहीं है तब डॉक्टर भी कह देता अगर थोड़ा आस्तिक होता है तो, भैया अब भगवान का नाम ले और सेवा। अब ले जी पंडित जी ने नाश्ता बंद करा तो अब क्या करें? अरे सवेरे से भगवान का नाम लो, सवेरे से पाठ करो, पूजा करो। भूख सताए तो हमसे कहना, यहां उपयोग लगेगा, भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। और एक बात और बता दें, कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी ये वृत्ति छूट गई तो बीमारी मिट जाएगी, बीमार नहीं होगी आगे चलकर। कैसी बातें आप सोचते हो?
मान्यता होती है, मान्यता होती है। सफाई के चक्कर में हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। एक बात ध्यान रखो, हमारे अंदर किसी जीव की विराधना ना हो जाए, सदैव ध्यान रखो। प्रयोग करने से पहले ये सोचो, ये हिंसा है कि अहिंसा है, इसका फल क्या होगा। विनोबा जी थे, बोले कोई नीति बनाते समय, नेताओं से मंत्रियों से जब मीटिंग करते, बोले कोई नीति बनाने से पहले ये सोचो, गरीब को किससे क्या लाभ होगा, तो तुम्हारी देशभक्ति है, नहीं तो बेकार है। तुमने सोच लिया अपना ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसमें नहीं? गरीब का क्या हित होगा। ऐसे ही हम आपसे ये कह रहे हैं, किसी जीव की विराधना तो नहीं होगी। समितियों के प्रसंग में टोटरमल जी ने लिखा है, संवर की भूल में, संवर तत्व संबंधी भूल अन्यथा स्वरूप लिखा है, दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, ये तीव्र कथा है। ये नहीं लिखा, क्या लिखा, मुनि राजों को कथाएं अत्यंत मंद हो जाने से जो चलना, बोलना, आहार लेना, पिछी कमंडल आदि को उठाना रखना, शरीर को उठाना रखना, मल मूत्र का क्षेपण, ये लौकिक कार्य भी हैं, शरीर आश्रित कार्य हैं, ये करने पड़ेंगे। तो उनकी इतनी कथा मंद हो गई, किसी जीव को पीड़ित करके वे इन कार्यों को नहीं सिद्ध करना चाहते, ये मंद कथा का लक्षण है। दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना कार्य करना चाहता है, ये तीव्र कथा है। दूसरों को गिरा करके अगर उठना चाहता है तो तेरी कथा बहुत तीव्र है। तो शरीर से जब तक ममत्व नहीं छूटा, विषयों से ममत्व नहीं छूटा, तब तक ध्यान कैसे होगा भाई। आप करने जाओगे धर्म ध्यान और हो जाएगा आप ध्यान। कई बार लोग पूजा करते हैं, पूजा करते करते एकदम लड़ पड़ते, चेहरा बिगड़ जाता है। तूने इतने बादाम ले ली, मेरी थाली गाय को ले ली, और वे सब पूजा करने वाले अपन ले जाया, वो ऊपर पहुंच गया, सबके सामने आड़ करके खड़ा हो गया। अब पुजारी सब सोचे भैया बीच में आ गया, तो क्या हम प्रचार नहीं करें। माने कितने विकल्प, ये सब ममत्व के खेल हैं, ये मोह नचारा है संसार में, ये ममत्व का काम। मन भी ममत्व है, माया भी ममत्व है, लोभ भी ममत्व है, चारित्र मोह है, ममत्व के खेल है। तो ध्यान उसी होता है ममत्व। माने आत्म ध्यान के लिए निर्मम होना चाहिए, देह की ममता छूट जाना चाहिए, तभी आप परिसरों को सहन कर पाएंगे, तभी आप उपसर्गों में समता रख पाएंगे, तभी आप अनुकूलताएं भी उपसर्ग हैं। 22 परिसरों में एक स्त्री परिसर भी है, ये भगवान स्त्री परिसर, लोग मार रही है स्त्री, क्या कर रही है वो, हाव हाव दिखा करके तुमको आकर्षित कर रही है, विषयों की प्रेरणा कर रही है, हम परिसर जी का बात है। लेकिन ये परिसर है, और परिचय जय का मतलब यह है उसको देखने की भी अभिलाषा ना हो जाए। इत्रम किमत्र यत्ते तीर्थांग नाभिर नीतम मनागम मनो न विकार मागम, इतना विकार की मार की ओर मैंने देखने की भी अभिलाषा ना आ जाए, ऐसी ऐसी खुल ना जाए, रोम खड़ा ना हो जाए, यह परिचय है। स्वरूप में सावधान है नहीं? तो बाहर में उत्साहित नहीं होते, राग खड़ा नहीं हो सकता। तो निर्मम जीव ही को आत्मध्यान होता है। अब निर्ममता कैसे होती है, प्रवचन सार जी पढ़ने पर, चाहे 12 तपों के उल्टे क्रम को पढ़ने, हम उल्टे से चले हैं, समझ में आया ना, 12 तपों में पढ़ने, चाहे प्रवचन सार जी। एकाग्रता का नाम ही श्रमण्य है, साधुपना, साधु दशा, एकाग्रता, साधु एकाग्र है, उनका एक ही भेष अर्थ में
एक ही निवास है, स्वरूप में रहते हैं, चाहे कहीं रहे, चाहे कहीं हो स्वरूप में रहते हैं। एक ही उनका भोजन है, अति इंद्रिय आनंद रस का अमृत पीते हैं, बाद बाकी ये सब कुछ नहीं। तुम्हारी ये हेरा फेरी, कभी ये पहने हो, कभी ये पहने हो, कभी भी पहने, कभी ये पहने, कभी भी पहने, जब देखो तब नए नए वेश, ये बहुतक वेश धरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। चिंतामण जब घर में प्रकट हो, तब कौन जरूर अडंबर की। इन तारण तरण को से लिया, परिवार करे को बब्बर की। जिनको नहीं आस परमेश्वर की, ते आस करो सो अकबर की, हम काय को करें। अकबर सोचता था अब तो हमें हमारी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, लेकिन कवि है और सुकवि उसको कहते हैं जो लौकिक जीवों की प्रशंसा भी नहीं करता, केवल परमेश्वर का गुणगान करता, केवल परमेश्वर की। ज्ञान वैराग्य अनुमोदना करने लायक है, ध्यान रखना। बाद बाकी बंगड़ा तो बढ़िया बना, ये चीज तो अच्छी बनी, फलाना तो सोच नहीं, आज भोजन तो अच्छा बना, ठीक है भोजन भोजन है, संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल है, बस ठीक है, बात क्या है, करना क्या है। ये अच्छे बनकर अच्छे बन, ये अच्छा जो कहा ना, अच्छे तो अच्छा बना, रोज ध्यान हो गया शुरू, क्या बना के रख दिया, क्या करें क्या खाएं, और ध्यान हो गया। जब निर्मम हुआ है देह से भिन्न, तो चाहे वो वैसा भोजन हो चाहे वैसा भोजन हो, करना क्या है हमें, हमारा नहीं हमारा ये जड़ भोजन। एकाग्रता का नाम श्रमण, श्रामण्य, श्रामण्य माने साधुपना, साधु दशा, साधु धर्म, एकाग्रता। और एकाग्रता निश्चयवान के ही होती है, काय का निश्चय है, तत्व का निश्चय है, और वह तत्व निश्चय आगम अभ्यास से होता है। उपदेश सुनना भी आगम ही अभ्यास है, आगम अभ्यास से होता है, इसलिए आगम चेष्टा ज्येष्ठा, इसलिए आगम का अभ्यास करना प्रमुख कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य। आपको कहीं भी उलझन आती हो, कभी भी उलझन आती हो, हैं? आप छोटी सी पुस्तक, कोई शास्त्र तो बहुत अलौकिक है, छोटी सी कोई पुस्तक लेकर के बैठ जाओ, उस विषय पर सोचो ही मत, वो समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी, अपने आप समाधान हो जाएगी। और थोड़ी देर फ्रेश होकर के अगर उस पर सोचोगे तो दो मिनट में वो बात समझ में आ जाएगी। और लौकिक में भी इस शैली का प्रयोग आप घर में दूसरों से तो कहते ही हो, करते हो या ना करते हो, कोई वस्तु गुम जाए और हड़बड़ा रहा हो, भाई कहीं नहीं जाएगी, घर में है, शांति शांति से बैठो, शांति सोचो कहाँ रखी, कहाँ भूल, तुम्हें भूल गए होगे, कहीं नहीं मिल जाएगी, परेशान क्यों, शांति सोचो। माने शांतता में ही ज्ञान हो सकता है, अशांतता में ज्ञान नहीं। अगर आगम अभ्यास निश्चयवान एकाग्रता और एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम ध्यान उत्कृष्टता, देखो मिला हुआ है एक ठिकाना, और बारह तपों में भी यही है। ध्यान ममत्व छूटने पर होता है और ममत्व स्वाध्याय से छूटता है। आप चाहे कितने ही गिड़गिड़ाते रहो, कितने ही आप रोते रहो, प्रार्थना करते रहो, तत्व अभ्यास के बिना ममत्व नहीं छूटेगा। जाओ जहां जाना है जंगल में जाना, जंगल में चले जाओ, खूब बैठना, आप ममत्व नहीं छूटेगा। तत्व के अभ्यास के बिना भेद विज्ञान के ममत्व बिना ममत्व कैसे छूटेगा। तो ममत्व छोड़ने के लिए स्वाध्याय, और स्वाध्याय के लिए सेवा भैयावृत्ति, और भैयावृत्ति के लिए विनय, विनय नहीं होगी तो भैयावृत्ति नहीं कर पाएगा, और भैयावृत्ति सेवा के बिना कुछ भी नहीं सीख पाएगा। लोक में भी कहावत है, सेवा से मेवा मिल। जब शिष्य गुरुओं की सेवा करते थे तब उनको ज्ञान अलग होता था, आज के शिष्यों को अलग प्रकार का ज्ञान होता है, और जिनको आज भी थोड़ा सा एक गहरा ज्ञान हुआ है उसका अनुभव का ज्ञान,
तो भी बहुत अपने गुरु की सेवा करते ये समझना, आज्ञा में चलते हैं, बहुत विनयवान होंगे भी तब भी कुछ सीख पाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो। सेवा बिना मेवा नहीं है, करें सेवता की है, देख लो आप। लहे ज्ञान सोई लहे, भूल गए गायन, देखो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बोलो। करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बहन सोही लय ज्ञान मीवा, सुने बहन सोही अनसुने करे वो नहीं। नहीं हम पूजा तो करते ये नहीं सुनते, नहीं सुने बहन सोही लय ज्ञान मेवा। लौकिक में भी मेवा किसको कहते जानते होगे, मेवा दाल भात गेहूं चना है, लौकी तोरई, इनको मेवा नहीं कहेंगे। मेवा किसको कहते हैं, उत्कृष्ट पौष्टिक पदार्थ, उत्कृष्ट पौष्टिक पदार्थ। ऐसे ये ज्ञान उत्कृष्ट पौष्टिक, तेरे धर्म को पुष्ट करने वाला है ये सम्यक ज्ञान। पौष्टिक इसलिए इसको मेवा शब्द प्रयोग किया। शब्द वैसे ही नहीं लिखते थे, चाहे कोई चाहे कुछ, ज्ञान को घास नहीं कहेंगे, ज्ञान को घास थोड़े ही कहेंगे। क्यों वो अलग ही है, रहे ज्ञान मेवा। तो स्वाध्याय होता है तब ममत्व छूट रहा है, और स्वाध्याय के लिए सेवा चाहिए। जो ये सोचते हैं केवल हम पुस्तकों से पढ़ पढ़ करके सीख जाएंगे, बड़ी भ्रांति में। बहुत से बच्चे काय को क्लास अटेंड करेंगे, आइटम से पढ़ लेंगे, ठीक है परीक्षा थोड़ी बहुत पास भी कर लें, और आजकल कभी नकल के भरोसे उनका तो भविष्य ही अंधकारमय है, भविष्य ही अंधकारमय है, कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। लेकिन मान लो एक डिग्री मिल गई, थोड़ा बहुत समझ गए, लेकिन योग्यता नहीं आ रही, गाइड से पढ़ लेंगे। गाइड के लिए भी गाइड चाहिए, गाइड किसका नाम है लौकिक में, गाइड कोई आदमी होता है कि किताब होती है, मार्गदर्शक। अब वो गाइड को भी तो गाइड करने वाले, सोचो समझो, मैंने शास्त्र पढ़ पढ़ करके हम सीख जाएंगे। अरे तुमने अर्थ निकाला है, वो अर्थ अनुकूल है कि प्रतिकूल है, यहाँ उसका अर्थ बैठता भी है। कई बार कई प्रसंगों में हमने ये देखा, प्रसंग कुछ है, आधी लाइन पकड़ी, देखो जी लिखा है, अरे ये किस प्रसंग में लिखा है, कहाँ है, इसका विवक्षा क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इस प्रसंग में कौन सी न्याय से लिखा, कौन से प्रयोजन से लिखा, कुछ नहीं, कौन सी प्रसंग की बात कहीं लगाई, देखो लिखा है किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, कि अमृत तो सबके लिए। अरे ठीक है सबके लिए है, लेकिन अमृत के पीने के लिए कचरा भी साफ होना चाहिए, अमृत पीने के लिए कचरा भी साफ चाहिए, ताकत की दवा पचाने की भी ताकत चाहिए, वैसे थोड़ी पचा लोगे ताकत की दवा है। किसी ने कहा घी बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ताकतवर होता है, तो तुमने एक किलो पी ला, अब क्या होगा, क्या सोचो, एक किलो घी पी लिया तुमने बिना सोचे समझे, क्या होगा, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात। मतलब ये है कि अब इधर से उठते चले आप, अब विनय विनय कब तक नहीं होती, कहां नहीं होती, हमका को कम है, ये सेठ है तो हम भी सेठ है, ये पंडित जी है तो हम भी पंडित जी, अब हो गई बिना खत्म। जहां ये समझ लिया कि हमका कहीं कम है, हमका कोई हुआ, हम क्यों झुके, आज घर घर में यही तो चक्कर हो गई है, बच्चियां भी पढ़ने लगी खूब और नौकरी कमाई करने लगी, और लड़के भी अब
रोटी बनाना आता नहीं किसी, लड़की कहाँ और हम क्या काम है, और कुछ नहीं पापा जी दादा अब कुछ नहीं हमें नहीं लेना था और हम तो अपना कर लेंगे। क्या कर लोगे, क्या कर ले, दूसरे की महत्ता नहीं समझेंगे अपनी महत्ता दिखाएंगे। ये सारी विसंगतियां इसी के कारण तो हो रही है। इस प्रसंग में हम क्या करें, बिना क्यों नहीं होगी, जब तक कोई अधिकता नहीं दिखेगी, कोई उपकार नहीं दिखेगा, तब तक बिना नहीं आ सकती। यहां तुमने समझिया हमका काम है बस, अब बिना गई काम से पर्यार्थिक नई की चर्चा कर रहे, तो विनय तब होगी जब अपने में दोष दिखाई दे और सामने वाला निर्दोष दिखाई दे, वो महान दिखाई दे, हम अत्यंत है, तब उन दोषों के अभाव के लिए विनय भाव जागृत होगा। हो गए तब तो मतलब प्रायश्चित के बिना, अपने दोष को दूर करने की भावना के बिना, एक बात यहां समझ लेना, दोषों के दूर हुए बिना दुख दूर नहीं होता। ये बेईमानी है जो दुख को दूर करना चाहते हैं, दोषों को नहीं दूर करना चाहते, ये बेईमानी है। और बेईमानी का व्यापार चूरन के पूर्णा बस है, सोच लिया हमने इनकार दे दिया, नहीं वो तुम्हें फलेगा नहीं, फले लौकिक भाषा कह देना, हमारे ऊपर किसी का रह गया तो हमारा घाटा है, हमारा रह जाए तो घाटा नहीं, वो तो जब होगा तब होगा, देगा वो कहां जाएगा, हमारा हमारे ऊपर किसी का रह गया तो घाटा देगा। हमसे किसी ने झूठ बोला हमारा कोई घाटा नहीं, हमने किसी से झूठ बोला ये हमारे लिए घाटे का, हमारी कोई चोरी कर ले गया कोई घाटा नहीं, पाप का उदय था चल गया, लेकिन हमने किसी की चोरी करी बस ये घाटा का, माने पाप के उदय से घाटा नहीं है, पाप के परिणाम से घाटा, सब हमारी ओर देखे हमारा कोई घाटा नहीं, और हम सबकी ओर देखने लगे तो घाटा हो गया। देखो भगवान कहाँ देखते हैं, चाहे तुम पूजा करो चाहे मत करो, चाहे सामग्री चलाओ, आपने चलाई और हमारी आज ऐसे उठा लेगा, अब भगवान को कछु आपने चलाई और उसने वो आया उसने सब समेट, बोलो तुल्यवृत्ति प्रभु तत्र, प्रभु की तो तुल्यवृत्ति है, तो जब तक दोषों को दूर करने की भावना नहीं है, दोष समझ में नहीं आते और दोष दूर करने की भावना नहीं है, और ये बात नहीं समझ में आई कि दोष दूर हुए बिना दुख दूर नहीं होगा, दोष दूर करने की भावना का नाम प्रायश्चित है। दोष दूर करने की भावना का नाम ही प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित जब होगा तब विनय आएगी। जब किसी का आपको रोग लगेगा तब वैद्य के पास जाओगे, और रोग नहीं लगेगा तो कैसे जाओगे, सोचो। और देखो रोग दूर करने के लिए वैद्य को जाओगे तब आपका व्यवहार अलग होगा, और वैसे ही चले भी जाओगे तो व्यवहार अलग होगा, तो भाई कैसे आए, कुछ नहीं जरा अखबार देखने चले आए, वो बातें ही अलग होगी। और रोग दूर करने के लिए आए हो गए तो उसका व्यवहार पूरा का पूरा, व्यवहार बदल जाएगा, अभिप्राय बदल जाएगा, है अगर हमारा कुछ लेने का अभिप्राय होगा तो हमारा व्यवहार अलग होगा, और निष्क्रियता का अभिप्राय होगा तो हमारा व्यवहार अलग होगा। तो प्रायश्चित माने दोष दूर करने की प्रवृत्ति, जिससे दोष दूर हो उसी को प्रायश्चित कहते हैं,
प्रायश्चित को परमार्थ में क्या कहते हैं? प्रायश्चित प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त, माने चित्त का निर्विकार होना, निर्दोष होना, इसी का नाम प्रायश्चित है। प्रायश्चित माने जिससे चित्त निर्विकारी हो जाए, निर्दोष हो जाए, वो दोष मिट जाए, इसी का नाम प्रायश्चित है। ज्ञानयोग पद्धति में चूलिका में भी ये लिखा है कि देखो प्रायश्चित, अगर कोई शरीर आश्रित कोई दोष हो गया है तो उसकी शुद्धि तो आलोचना मात्र से हो जाती है, आप स्वयं आलोचना कर लो। जैसे मान लो कोई आपने ज्यादा भोजन कर दिया आज और थोड़ी तकलीफ हो गई, आप अपने आप इलाज कर लो, कल कुछ मत खा, पानी वानी पी लो, बस अपने ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अगर शरीर में कोई वैसा इन्फेक्शन हुआ है तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, फिर तो कुशल वैद्य के पास जाकर वह जो बताएगा तो आपको करना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो शरीर से दोष हैं वो आपके केवल आलोचना मात्र से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर मनो संबंधी दोष हैं भीतर के तो फिर गुरु के पास जो प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता हैं, प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता हैं, सारी व्यवच्छेद काल भाव की योग्यता को समझने वाले हैं, उनके पास जाकर निष्कपट भाव से जब अपने दोषों का निवेदन करता है, निष्कपट भाव, तब वे बहुत सुंदर जयसन स्वामी ने लिखा है, तब वे प्रचुर स्वसंवेदन के अनुकूल, अरे तेरे शरीर वगैरह के अनुकूल वो तो ठीक ही है, बहुत गर्मी बढ़ जाएगी तो इनको उपवास मत करा, इनको जाओ रस छोड़वा दिया, चलो मौन ले लिया, मौन लो दो घंटे। तो प्रचुर स्वसंवेदन माने धर्म के अनुकूल, वितरागता को बढ़ाने वाला, जो विधि में उनकी आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करने से दोष दूर होता है, निर्दोष होता है। तो प्रायश्चित की भावना बिना विनय नहीं होती, विनय नहीं होती तो तब वैयावृत्ति नहीं होती। आज अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं, सेवक लगा दें कहो तो सेवक लगा, पूजा के लिए पुजारी लगा, दान के लिए एक भोजनशाला खोल दो, अब बस तुम क्या करोगे जी, तो बता, क्या तुम कमाओगे और बस खर्च कर दोगे? नहीं, ये विधि तो नहीं है भाई, भगवान की पूजा तुम खुद नहीं करोगे तो ये बता तुम्हारे परिणाम शुद्ध कैसे होंगे, तुम्हारी विशुद्धि कैसे होगी? दान के लिए जब स्वयं स्वयं नहीं खड़े हो गए, स्वयं दान नहीं देगे, तो तुम्हारे परिणाम की विशुद्धि कैसे होगी? ये कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ध्यान रखना, व्यवस्थाएं नहीं है, मोक्ष मार्ग की नियमित क्रियाएं हैं। बहुत सोच समझ करके हम कहते हैं कोई बात कहते हो, ये ध्यान रखना, क्यों हमें ये व्याख्यान करके भीड़ थोड़ी जुटानी है। श्रावक बनो, श्रावक बनो, श्रद्धा विवेक और आचरण, कहा था ना, अपने भोजन को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। कई बार बच्चे और विशेष रूप से बच्चियां, अगर कोई आया हमको ब्रह्मचर्य लेना है, हमने कहा बहुत अच्छी भावना है, हम अनुमोदना करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, आप भोजन ब्रह्मचर्य लेना चाहते हैं, आप दो और लोगों को भोजन करा सकें तो ले, ये नहीं है अपने त्यागी माने ने प्रमादी, अब कौन भोजन बनाए, कौन क्या करे, सब रेडीमेड व्यवस्था हो जानी चाहिए, बस हम तो अपने स्वाध्याय करेंगे, ये कोई निवृत्ति नहीं, बिल्कुल व्यवस्था गलत। अकेले एक विवाह नहीं करने से, ब्रह्मचर्य वर्ष का एक सामान्य रूप से ले लेने से कोई मुनिपना हो गया कि आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा हो गई। आप स्वयं शुद्ध भोजन बनाओ, दूसरों को शुद्ध भोजन बनाओ, ये एक विधि है। भैया आज आपका उपवास, आप हमारी चौकी में आए ना, दूसरा सहधर्मी आ गया, आओ भैया। अब अपन स्वयं दूसरों के भरोसे हो गए, कहा भैया कम शुद्ध घी मिल जाए, अरे तुम शुद्ध घी बनाओ ना, शुद्ध घी वही तो बना पाएगा जिसका शुद्ध भाव होगा, पाप क्रिया तुमने, शुद्ध घी कैसे बनाएगा? शुद्ध घी के नाम पर कई जगह तो कितना क्या क्या हो गया, आपको मालूम होगा, हमें नहीं मालूम, और मालूम भी तो हम कहेंगे नहीं,
क्या कहें, कहां तक शुद्ध पहुंच गए, सरकते सरकते शुद्ध के नाम पर कहां तक शुद्ध हो गया। जब दूध की मर्यादा नहीं है तो शुद्ध कहां से आ गया, घी कहां से शुद्ध हो गया। जब विचारों की मर्यादा नहीं है तो वचन मर्यादित कहां से होंगे, और जब मर्यादित बोले ही नहीं सकते तो मर्यादाएं तुम्हारी मर्यादा के व्यवहार कैसे होंगे। समझ में आया ना। तो भैया हम बार बार कहते हैं बोझा उठाना सीखो, बोझा डालना नहीं, बोझा उठाना सीखो, देना नहीं लेना सीखोगे क्या होगा। ये हम कहेंगे तो सीधा, तुम कहोगे तो दोनों उल्टी। मोह से जो कुछ कहा जाएगा वो उल्टा कहा जाए। उपदेश देना नहीं उपदेश लेना सीखो, समझाना नहीं। बहुत तो हमको भी समझाने लगते, अरे हमें मत समझा पहले खुद समझ ले, ऐसा बोलो ऐसा करो। हम शांति से हम बोलेंगे, चिंता मत करो। अगर हमें आपकी कही हुई बात भी अगर उचित लगेगी और बोलेंगे तो हम अपने ढंग से बोलेंगे, जो उसको आपके कहने से बड़ी आप जरा कह देना वो हमको ऐसा करना है फलाना। ठीक है, हमको उपदेश देना नहीं उपदेश लेना सीखो। हो गई सही कि नहीं। लेकिन लेकिन हर जगह थोड़ी सियाद बात है, लोक व्यवहार में प्रायः देना सीखो लेना नहीं, कम से कम लेना अधिक से अधिक देने की कोशिश करो। आप कहीं फेल नहीं होगे, आपका कहीं व्यवहार नहीं बिगड़ा। जहां एक लेकर के और आप चार आने देना चाहते हो बस वहीं व्यवहार बिगड़ जाता है। एक अगर लेना पड़े तो आप सवा देने की कोशिश करो, कहीं व्यवहार नहीं बिगड़ा, कभी नहीं बिगड़ेगा कहीं भी। हमारे घरों के व्यवहार भी ऐसे होते थे, ऐसे ही होते थे। कहीं भोजन करने गए खाली हाथ तो गए नहीं, लेते गए कुछ भाई 10 रुपए का भोजन करेंगे तो मैं अपन जा रहे थे 10 का 15 का ले जाएंगे, ले गए ठीक है ना। अब भोजन किया और अपन ने दिया 10-20 का और उसने तिलक कर दिया 50 का। माने देना देना बराबर है, भाव का फल है केवल। तो केवल लेना नहीं देना सीखो, देना सीखो। प्रयत्न करो, कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं है कोई बात। कठिन लगती है केवल अज्ञान और प्रमाद के कारण। ये तत्व की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, विषय कथाओं की रुचि के कारण तुझे दुर्लभ लगती है। ऐसी अब सीधे कर लो आप, जब आपको दोष दूर करने की भावना होगी तभी आप विनय करोगे, विनय होगी तो भैया पति सेवा करोगे, सेवा से फिर दो बातें सीखने को मिलेंगी। देखो शास्त्र पढ़ते समय जितनी बातें हम यहाँ कह रहे हैं, सेवा करने में नहीं कितनी कितनी बातें हो जाती हैं। अलग बातें हम बहुत कम करते हैं, लेकिन कहने का मतलब लौकिक बातचीत जरा सी हो उसमें कितना हो जाती। अपने आप मुंदाजों की सेवा करते हुए हम सेवा नहीं कर रहे, शिक्षा व्रत है भैया बस। हम सीख रहे हैं प्रतिकूलता में, रोग में, बीमारी में, बुढ़ापे में, भूख में, प्यास में समता कैसे रखी जाती है। शास्त्र से थोड़ी सीख पाओगे, शास्त्र में तो ये लिखा होगा सुख दुख में हम समता धारे। जब किसी ज्ञानी के साधजनों के संग में होंगे तब हमें समझ में आएगा देखो ऐसी समता रखी जाती है। विनय के बिना सेवा नहीं, सेवा के बिना स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय के बिना ममत्व का त्याग नहीं, और ममत्व के त्याग बिना ध्यान नहीं। ये अंतरंग तप है और इन्हीं अंतरंग तपों के लिए बहिरंग तप, इन्हीं अंतरंग तपों के लिए टाइम ही नहीं है। एक टाइम आज भोजन तो करना नहीं है, व्यापार करना नहीं है, उपवास है आज का, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। अब रोज उपवास हो नहीं सकता, ये व्यवहारिक भूमिका है ध्येय साथ में। तो भाई उनोदर कम खाओगे तो कम कमाओगे, कम बनाओगे समय बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे सीधी बात है, सवेरे ना था फिर बे संजारो तो फिर मुफ्त में तो ये आते नहीं सकती है।
बताओ कम खाओगे हैं? और तो कम कमाना पड़ेगा, सादा जीवन जियोगे बहुत कम कमाना पड़ेगा, दो घंटे में आपकी गुजर हो जाएगी। हमने ऐसे पढ़े हैं कि बस वो टोपी बेचते थे और इतनी टोपी बेचने के बाद बंद कर दिया और बस खत्म। राजा ने परीक्षा के लिए भेजा, 100 चाहिए इकट्ठी। बोले आज साहब नहीं, अब नहीं मिल पाएंगे, आज तो 50 ले पाएंगे, 50 कल मिलेंगे। इतने संतोष थे, इतना थोड़ा व्यापार करते हुए लोग आनंद में कैसे रहते थे। अब गांव का जीवन देखो, है एक कमाता था और 10 खाते थे। ऐसे हल्के व्यापार परिवार नहीं होते थे, एक चूल्हे पर 20 की रोटी, 25 की रोटी, 30 की रोटी, 10 की रोटी, 15 की रोटी होती थी एक चूल्हे पर। और सब मिलजुल करके काम करते थे, ना कहीं थकान, ना कहीं बीमारी, ना कुछ ना कुछ। कैसे के कसाय माने तो उनोदर रोज नहीं हो सकता, उपवास तो रोज नहीं हो सकता, तो फिर उनोदर करो, थोड़ा सा कम खाओगे आप बीमार भी नहीं होगे। उनोदर हुआ, अब उनोदर के लिए अगर स्वाद होगा रस तो ज्यादा ज्यादा खा जाओगे स्वाद में, तो रस पर इत्याग चाहिए, रस पर इत्याग। अब जब भोजन किया तो कोई वृत्ति पर संख्यान, कोई नियम चाहिए आपको। नियमित भोजन होगा तब वो व्यवस्थित हो पाएगा, और बिना नियम का होगा तो अनर्गल हो ही जाएगा। और फिर जब भोजन है वो संयम के लिए हुआ हमारा, तो फिर विविध सयासन अकेले में बैठोगे आप, और फिर देह के प्रति निर्मम। देखो बाह्य तपों का भी अंतरंग है कायोत्सर्ग, तो देह के प्रति निर्ममता का एक चिन्ह है कि देह में कोई तकलीफ आराम भी हुई तो शांति से सहन करोगे। वे हो गए बाह्य तप, समझ में आया ना? अनशन, उनोदर, रस पर त्याग, व्रत पर संख्यान और विवृत सयासन, ये सब आत्म अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए हैं। ध्यान रखना, अगर अंतरंग तप को बढ़ाने का अभिप्राय नहीं है तो केवल मन कथा के साधन हो जाएंगे। और इन सब तपों का ज्ञान स्वाध्याय से होगा, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। ध्यान को परम तप होते हुए भी स्वाध्याय को परम तप कहा, क्योंकि स्वाध्याय के बिना ध्यान कैसे करोगे आप? काय का करोगे, काय के लिए करोगे? विचारना ये तप अपने चित्त को विश्रांत करने वाले, और ये तप की शोधक अग्नि है, अग्नि शोधक अग्नि है, शोधन करने वाली अग्नि है, हैं? इससे विकारों का शोधन होकर के निर्विकारी दशा प्रकट होती है, हैं? निर्दोष सुख की प्राप्ति होती है, और वही हमें इष्ट है। सोना अग्नि में न तपे तो खान से तो मट्टी जैसा निकला है, घड़ा अगर अग्नि में न तपे तो वो घड़े की जल धारण कर शक्ति कैसे प्रकट होगी? ऐसे ही तपस्या से डरना नहीं, तप शोधक अग्नि है, तपस्या से हमारा जीवन निखरेगा, हमारा जीवन बोलो पवित्र बनेगा, प्रशंसनीय बनेगा, पूज्य बनेगा, हम स्वयं में आनंद सोंगे, हमें एक संतोष मिलेगा अंतर में। लेकिन होना चाहिए सम्यक तप, ध्यान रखना, उत्तम तप माने सम्यक तप, विचारना।